एहतराम वाले बुजुर्गों और भाइयों और फाउंडर ग्रुप से दिलचस्पी रखने वाले तमाम नौजवानों को मेरा सलाम कबूल हो। नसरुम मिन अल्लाह फतहुन करीब, ये अजीम शान इज्तमा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि अल्लाह की नुसरत फाउंडर ग्रुप पर नाजल होना शुरू हो गई है और फाउंडर ग्रुप अल्लाह के फजल करम से हाजी अमजद सलीम भट्ट की सरबराही में एक मजबूत किस्म के दोस्तों और साथियों से मिलकर एक ऐसा गुलदस्ता बना है जो इंशाअल्लाह ताला 30 अप्रैल को खुशबू से सारी डीसी कॉलोनी को भर देगा। पुरअज़्म बेलौस निडर बेबाक नौजवान इस फाउंडर ग्रुप के मेंबर हैं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये जो फराडिये हैं, जो अगली फेस के भी फाइलें जो हैं खरीद चुके हैं, इन्होंने हमारे इस घर को मकीनों को इनके माल को लूटा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप डट जाएं, अज़्म करें, फैसला कर लो कि इन डाकुओं चोरों फ्रॉडियों से हमने बचना है और फाउंडर ग्रुप को कामयाब करके डीसी कॉलोनी में अमनो अमान कायम करना है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर का रुख करता है, जब गीदड़ की मौत आती है शेर का रुख करता है, और जब बारवेदी मौत आवेगी 30 अप्रैल बाहर नसर जे गेट बंद करा लो, गेट बंद कर दिया जे ये दौड़ने वाले ने। हाजी अमजद सलीम भट्ट एक निडर बेबाक इंसान है, बेलौस इंसान है, और इन्होंने जो टीम अपनी मुंतखब की है वो भी एक मियारी टीम है। तो फराड़ियों को हम आप दौड़ने नहीं देंगे, इतने जोर से 30 अप्रैल को चांद पर मोर लगाओ। मैंने शैतवानी राजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डीसी कॉलोनी, आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी। मैं जदों तकरीर करना ना बंदे कहते ने 3 साल तो शुरू करनी आ, कोशिश तो करी कर बड़ी करना मैं भलान दी, मगर भुलदी नहीं। भुल किवें जाए, मेरे घर नूं ते मेरी सोसाइटी नूं 3 साल इंज लुटिया गया ते बंद कमरे च हिस्से बनाए गए, ते भुल किवें सकना मैं। लड़िया भी बड़ा मगर कल्ला सां, बदकिस्मती कि जलाच वोटां दी जरूरत हुंदी है, कोई चीज मनवानी होवे ना ते वोट चाहिए हुंदे ने, ते मेरे वोट ते विक गए सन ते कल्ला रह गया सां।
तीन साल जिमें सोसायटी लुटिया गया मानी कुरानी अखा वेख्या हजे तक नहीं भुलिया तकलीफ होंगी है तकलीफ होंगी है जिमें सोसायटी लुटिया गया तो सासे बेचे गए गड्डी च फैला रखिया ने जिहड़ा प्लाट खाली वेख्या उहदा नां उत्ते पाया नंबर ले आ साडा हो गया ते दसां जलसिआं च तुहाडे अगे तरला लिया अपनी सोसायटी नूं बचा लो। तीन साल छे महीने हो गए ने मैनूं तुहाडे अगे इही रिक्वेस्ट करदे आं इही तरला लैंदे आं। माल मैं भी बड़ा बना सकदा हाँ सारिआं नूं पता है मगर मैनूं माल नहीं इज्जत चाहीदी सी मैनूं आई साहब दा अमजद सलीम भट्ट साहब दा साथ चाहीदा सी। माल तो अल्लाह ने मैनूं बड़ा दिता 10 रुपए दिहाड़ी तो मैं मजदूरी शुरू की थी अज अल्लाह ने मैनूं इत्थे खिला रहा तो तुहाडे सामने खलोता मैं तरला करना रिक्वेस्ट करना इतवार वाले दिन सिर्फ अपनी अपनी गली की जिम्मेदारी अपनी अपनी गली की जिम्मेदारी संभाल लिया जे सिर्फ अपनी अपनी गली की जिम्मेदारी संभाल लिया जे ए सोसायटी मेरी नहीं तुहाडी भी है जिनी मेरी है नहीं तुहाडी भी है। मौका दोबारा नहीं आना तीन साल बाद पता नहीं की होना बड़े जालम लोग जे अल्लाह की कसम बड़े जालम लोग जे जिन्हां की सोच ही बिजनेस है जिन्हां की सोच ही माल बनाना तो सोसायटी दियां सड़कां पईयां टुटन गलियां पईयां टुटन डकैतियां चोरियां उन्हां नूं कोई फर्क पैंदा ते मेहरबानी है तुहाडी 30 तरीक नूं सिर्फ अपनी अपनी गली दी अपने अपने हमसाए दी अपने घर दी फाज़ल लई जिम्मेदारी समझ के सिर्फ त्योहार दा दिन इक टाइम दे दिया जे सोसायटी दी तकदीर ना बदला ते मेरा डीसी कुन जो घर कर दिया इस बार सिर्फ इतवार वाले दिन तुहाडा साथ चाहीदा अपना साथ इमानदारी नाल दे आ जे हाजी अमजद सलीम भट्ट तुहाडे कोल होएगा किधरे नहीं भजेगा 24 घंटे शेरा तुहाडे कोल होएगा गली गली च होएगा रोड रोड ते होएगा खुदा से 30 तरीक नूं सिर्फ अपनी इमानदारी नाल अपने घर नूं बचाण लई फाउंडर ग्रुप दे चांद नूं जाके मोहर लाया जे ते पूरे पैनल नूं पूरे पैनल नूं इस करके कि 3 साल मैं कल्ला रहा ते सोसायटी दा की हाल होया ए मैनूं पता है। पूरे पैनल नूं वोट दिया जे खुदा वास्ते मेरा तो कौन नहीं मैं किधरे और जाके मजदूरी कर लांगा तो केड़ा केड़ा जाएगा इतों रोजाना घर नहीं बदले जाते अपनी सोसायटी लई अपने लई इतवार वाले दिन इमानदारी नाल भुल जाओ किसी ने जो कोई ने कोई गलती ना वादा कर लिया तो भुल जाओ जिथे अपने घर की अपनी इज्जत की गल होंदी है कोई वादे नहीं इमानदारी नाल चांद ते मोहर लाया जे ते फाउंडर ग्रुप के पूरे पैनल नूं कामयाब करिया जे ते इमानदारी नाल इस सोसायटी का नक्शा बदलांगे इस सोसायटी की तकदीर बदलांगे सोसायटी की खूबसूरती वापस लियावांगे ये मेरा वादा तुहाडे अगे ते सारिआं नूं मेरे वल्लों बहुत ही ईद मुबारक सोसायटी लई बाहर निकलो वोट पाओ इहो ही आइदा असीं हर साल इकट्ठे मनावांगे खुशियां नाल मनावांगे अल्लाह हाफिज। अरफान चांद भट्ट साहब उसामा नसर बड़ाई साहब दे मैं रिक्वेस्ट है कि वो जरा नज़दीक तशरीफ लिया उसामा नसर बड़ाई साहब अरफान चांद भट्ट साहब और मेरे हाजरीन मौजूद ने जनाब शेख खालिद साहब शेख शाकर साहब उस्मान खान सदोजई नुमान खान सदोजई साहब नुमान खान साहब सऊदीया तो वोट पाने से तशरीफ लिया ने बहुत बहुत मेहरबानी हाई साहब तुहाड़ा मुहब्बत है जी लोगों में बहुत अगे निकल गए हैं यकीन करो इस मुहब्बत का जोगदार जो लोग आ रहे हैं मिसाल नहीं मिलती
लखा रुपया अज अज तो दुबई जाना नज़दीक तरीन है सौखा नहीं लखा की टिकट आती है तो लोग जो कैनेडा तो भाई मुबशर कुवैत तो कोई कैनेडा तो इफ्तिखार चीमा कितों कितों दुनिया आई है और इंशाला ये सार दसते ने यह चीज़ वाजे करती है कि इंशाला 30 अप्रैल का सूरज फाउंडर ग्रुप की कामयाबी लैके अल्लाह की मेहरबानी शुरू होएगा इंशाला तआला। राणा अज़हर अली खान साहब सऊदी अरब तो तशरीफ लिया ने अज टीपू साहब सुल्तान साहब दसते हैं और सब तो वध के जी सियासत का साडे मैंबर है ना डीसी कलोनी च वो मैं भी कभी कभी लंघना वा वह हुक्का ग्रुप है जी साडा तो हुक्का ग्रुप वाले असी जनाब मियाँ दार मान तू स्टेज तो हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब की तरफों सलूट पेश करता है तो तुहाडी मेहरबानी है हुक्का ग्रुप वाले सारे सारे पैनल नूं वोट देना जी मेहरबानी करके तो सारे फैन अपना पैनल की कंपेन भी करनी जे बहुत बहुत शुक्रिया। और हुण मैं गुजारिश करांगा साडे नैब सदर दे उम्मीदवार जनाब मोहम्मद नसीर चीमा साहब ईमान ना बड़ा नफीस और आला आदमी बहुत आला आदमी जे करीब हो के वेख्या इहो जिहे बंदे घट लभदे ने ते तुहाडी मेहरबानी है मेरे इस भरा नूं भी भरपूर वोट करिया जे सब नूं वोट करिया जे लेकिन बहुत ज़्यादा वोट जिहड़े ना उह तुहाडी मुहब्बत दी ते वोटां दी तुहाडियां दुआवां दी भी सानूं जरूरत है बड़ी मेहरबानी। उसामा साहब ते मतलब अपना भाई इरफान चांद बड़ साहब नज़दीक आ जाओ तुहाडी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे जितने दोस्त भाई डीसी कलोनी से आए हैं और गपखड़ मंडी से आए हैं मेरी तरफ से सबको सलाम और मैं दिल की यथा गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। मेरे भाइयों हम डीसी कलोनी में रह रहे हैं आज सब भाइयों के सामने डीसी कलोनी का जो हाल है वो सब देख रहे हैं। एक लवारस सोसाइटी बनी हुई है। वो लोग जो 3 साल इधर रह कर गए हैं उन्होंने सिर्फ डीसी कलोनी के एसेट फरोख्त किए हैं। डीसी कलोनी की सिक्योरिटी को उन्होंने इस हद तक ख़त्म किया है कि 1 महीने में तकरीबन 7-8 करोड़ की डकैतियां हुई हैं। कोई परेशानी हाल नहीं है। और मेरे भाइयों इधर हम रह रहे हैं सोसाइटी के लिए हमने काम करना है आपने करना है। जो लोग इधर रह रहे हैं कोई ऊपर से नहीं आना हम लोग सबको जानते हैं। आप लोगों की नज़र में जो अच्छा है जो करप्शन से पाक लोग हैं उनका तो आपको पता है आज भी 50-50 लाख 70-70 लाख रुपये रिश्वत देकर इधर कन्वीनियर लगवा रहे हैं इलेक्शन में जैली वोट डलवा रहे हैं कभी इलेक्शन रुकवा रहे हैं। आप भाइयों से इल्तमास है कि आप इन सब लोगों को जानते हैं जो इन्होंने किया है आज वो अरबों के मालिक बने हुए हैं। इधर लोग बेचारे सिक्योरिटी के लिए हार्टिकल्चर को भी उन्होंने तबाह करके रख दिया है और अभी भी वो कोई नरम गोशा नहीं है। अभी भी वो कहते हैं कि अगर मौका मिला तो जो पीछे रह गया वो भी ख़त्म हो जाएगा हमारी मार्केटें बेच दी हैं। किसी सोसाइटी को चलाने के लिए एक ही जरिया होता है जो उसके कमर्शियल होते हैं उनसे किराए आते हैं और सोसाइटी के मुलाजमीन सफाई हार्टिकल्चर सोसाइटी के बिल वो कमर्शियल से अदा करते हैं। उन्होंने कमर्शियल भी बेच दिए हैं काबुल मार्केट बेच दी है नीलम की बेच दी है। और मेरी आप भाइयों से गुजारिश है कि ये सब हमने करना है आप ईमानदार लोगों को वोट दें और जो आउटसाइडर हैं उनको बिल्कुल वोट नहीं देने। हमने मेहनत और हिम्मत से काम करना है हमने इस सोसाइटी को ठीक करना है और इंशाल्लाह अगर फाउंडर ग्रुप बरसर इकदार आया तो सबसे पहले हम
डीसी कलोनी की सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। इधर कर्नल लेवल का आदमी होगा और मेरिट पे इंशाल्लाह गेटों पे तीन तीन चार चार कमांडोज रखेंगे, डीसी कलोनी को सही सिक्योरिटी देंगे। और हमने डीसी कलोनी को बदलना है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और मेरी आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इतवार को ज़रूर आए, दोस्तों को भी साथ लेकर आए, मोहल्लेदारों को भी लाएं और चांद पे मोर लगाएं और फाउंडर ग्रुप को जिताएं। और इंशाल्लाह हम 3 साल आपकी खिदमत करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं स्टेज पे मौजूद फाउंडर ग्रुप के जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं उनके साथ हमारे सब के दिलों की धड़कन, हमारी शान, हमारी आन, इस डीसी कलोनी को जो इस टाइम बचाने की जंग लड़ रहे हैं, हाजी अमजद साहब, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी मोजम अली दुदरा साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी फरूक शेरा साहब और जितने भी कोर कमेटी के हमारे मेंबरान हैं और पंडाल में मौजूद हमारे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों और डीसी कलोनी के रहायशियों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात आपसे जरूर यहां पे करूंगा कि जितना भी ये इलेक्शन लेट कर ले, आपका जज्बा, आपका जो इरादा है, ये इसको कभी भी ये लुटेरे, ये फराडिये, ये नौसरबाज कमजोर नहीं कर सकते। आपने इधर आज फिर जम्मे गफीर इकट्ठा होकर इनको ये मैसेज दे दिया है कि आप लोग पहले से ज्यादा दलेरी से, जुरत से और ईमानदारी से फाउंडर ग्रुप के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह आप 30 को संडे वाले दिन फाउंडर ग्रुप पे मोहर लगाकर, इंतहाबी निशान चांद पे मोहर लगाकर आप डीसी कलोनी की तकदीर का फैसला करेंगे। और डीसी कलोनी से जैसे यहाँ पे मलिक साहब ने बताया, इन चोरों लुटेरों को भागने का रास्ता ना इंशाल्लाह मिलेगा। और ये बिल्कुल ना सियासी लोग हैं, ना ये समाजी लोग हैं, ना इनका वतीरा खिदमत करना है, ये एक माफिया है। इस माफिया से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद से और आपकी मदद से छुटकारा हासिल हो सकता है। और मेरे डीसी कलोनी में रहने वाले भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, जितना हिस्सा हाजी अमजद साहब ने अपना डाल दिया है इस सोसाइटी की तकदीर बदलने में, इसलिए इससे आगे अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि संडे वाले दिन सुबह 8 बजे पोलिंग पे पहुंचे और इस चीज को मद्देनजर रखें कि आपने इस सिस्टम को बदल के इन लुटेरों, नौसरबाज, फ्रॉडियों से एक ही बात हल है कि आप पर्ची पे चांद पे मोहर लगाएं और फाउंडर ग्रुप को कामयाब करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम लोग आपको तकरीर में, ख्यालात में इनके जो गुनाह हैं, इनके जो स्याह काले करतूत हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, आपने जोग दर जोग 30 अप्रैल को भाइयों जिधर जिधर भी आपका राबता है सब ने इंतहाबी निशान चांद पे मोहर लगानी है। और मैं हर में एक बात जरूर करूं कि हाजी अमजद सलीम बाट साहब का पूरा पैनल आपके सामने ईमानदार है, इन पे कोई करप्शन के कोई भी इन पे इल्जामात नहीं है। आप सब ने इस 30 अप्रैल को अपने लिए, इस सोसाइटी के लिए बाहर निकलना है, किसी मसलत का, किसी बरादरी में, किसी धड़ेबंदी में आपने तकसीम नहीं होना। और जिस तरह हाजी अमजद सलीम बाट साहब अपने जानी माली
कुर्बानी देकर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं दे रहे। इंशाल्लाह आपने और हम सब ने भी किसी कुर्बानी में दरेग नहीं देना। हाजी अमजद साहब, हम आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। जिस तरह आप इस माफिया का, इन नौसरबाजों का मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो और अल्लाह पाक आपको इसी तरह मजबूत और मुस्तहकम रखे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बिला तखीर आप सबकी भरपूर तालियों में क्लैपिंग से इस्तकबाल कीजिएगा हमारे जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार जनाब मौज़म अली दुदरा साहब। क्लैपिंग नहीं हुई, मोइन भट्ट साहब ताली मार दो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम वजाए तखलीके कायनात, वजाए ज़हूरे कायनात, हादियो बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर और आपकी आल पर। शब जुल्मत में गुजारी है, शब जुल्मत में गुजारी है, उठ वक्ते बिदारी है, जंगे शुजात जारी है, आतशो अहन से लड़ जा ऐ उम्मीदे सहर। मैं अपने मुअज्ज़ज़ मेंबरान डीसी कलोनी और डीसी कलोनी के मेरे बुजुर्ग दोस्त भाई जो आज इस ईद मिलन पार्टी में फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे तशरीफ लाए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपकी इस लाजवाल मोहब्बत को हमेशा याद रखेंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप सब के साथ बड़े बाखबर हैं। आपको सब कुछ आप लोगों के इलम के अंदर है कि जिस तरह से जिस अकबरा परवरी का और करप्शन का बाजार पिछले 3 साल इस सोसाइटी के अंदर गर्म किया गया, जिस बेदर्दी के साथ इस सोसाइटी के जो रिजर्व एसेट्स थे, जो प्लाट्स की सूरत में थे, उनकी बंदर बांट की गई, आज फिर जो मेरा मद्दे मुकाबल है, दोबारा एक नया रूप धार कर मैदान अमल में है। मैं हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब की क्यादत में उसका फाउंडर ग्रुप और हम सब मिलके उनका मुकाबला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की प्यार, दुआओं और मोहब्बत की वजह से 30 अप्रैल को आप लोग घरों से निकलेंगे अपने हकूक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के लिए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। इंशाअल्लाह ताला मैं और फाउंडर ग्रुप की पूरी क़यादत अल्लाह को गवाह बनाकर आप लोगों के साथ ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम सोसाइटी को ओपन मेरिट के ऊपर लेके चलेंगे और इसी जिस जगह पे आज पंडाल लगा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला जितने मामलात होंगे वो बंद कमरों के अंदर नहीं किए जाएंगे। इसी पंडाल के अंदर आप लोगों को शामिल करके इंशाअल्लाह ताला इस सोसाइटी को चलाएंगे और सारे फैसला जात करेंगे। जिस तरह पिछले 3 सालों के अंदर आम लोगों के लिए तो बेल्टिंग के अंदर रेट
35 लाख रुपया 5 मरले का था, 10 मरले का 50 लाख था और एक नाल का 75 लाख रुपया था जो इन्होंने एजीएम के अंदर मंजूर किया। और उसके बरक्स जो अपने मेम्बरान को, जो अपने पूरे के पूरे टब्बर को इन्होंने प्लाट अलाट किए, ये डीसी कॉलोनी का ऑफिस बिल्कुल मेरे साथ है। आप लोग जाएं इनसे पूछें कि 135 प्लाट जो इन्होंने अलाट किए हैं अपने पूरी पूरी फैमिलीज को, वो किस रेट के ऊपर हैं? वो 8 लाख के ऊपर हैं, 5 लाख के ऊपर हैं, 3 लाख है, एक नाल का 8 लाख, 10 मरले का 5 लाख और 5 मरले का 3 लाख, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये चीजें इनको अट्रैक्ट करती हैं, ना तो ये डीसी कॉलोनी के रहने वाले हैं जो इनको डीसी कॉलोनी के रहने वालों की खिदमत करने का बड़ा जज्बा है, जो इनको इधर खींच के लेके आता है। असल अट्रैक्शन है करप्शन, अकबरा परवरी जिस तरह से 5 मरले से तरक्की करता करता ये मेरे साथ डेरा है 2 कनाल का, इसी तरह एक डेरा उधर है। मैं कहता हूं कि ये आपसे वोट मांगने आए तो भाईजान इनसे पूछें कि हमें भी बताएं, हम भी इधर शेयर होल्डर हैं, हमारी भी इन्वेस्टमेंट है, हमें भी प्रॉफिट चाहिए। मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करते हुए सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि 3 साल आप लोगों ने इसको आजमाया, मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है कि प्लीज आप फाउंडर ग्रुप को और मुझे मौका दें, इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आप लोगों को नजर आएगी, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के प्रोसीजर को भी हम एहसान करेंगे, जो मैक्सिमम कर सकते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, और एक्सटेंशन 3 को भी इंशाअल्लाह ताला डेवलप करेंगे और उसके ऊपर भी काम करेंगे। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। और एंड पे मैं आपको एक तकाबली जायजा बताऊंगा कि एक ये मेरे सरपरस्त हैं जनाब परवेज मीर साहब, एक ये मेरे सरपरस्त हैं फाउंडर ग्रुप के और एक तरफ उनका सरपरस्त है, आप इन दोनों की शख्सियत से ग्रुप्स का तकाबली जायजा कर सकते हैं। हमारा सरपरस्त परेश आदमी है और उधर कलाशनकोफ कल्चर है। भाईजान सोचिएगा, 30 अप्रैल को घरों से निकलें, चांद पे मोहर लगाएं और पूरे के पूरे फाउंडर ग्रुप को वोट कास्ट करें। इंशाअल्लाह ताला मैं मोहसिन दुदरा अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि मैं आपको इधर हाई साहब को बुलाऊंगा। वो पैगाम कुछ इस तरह है कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन गया जब के हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे, उठेगी हम पर जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। मैं दावत दूंगा आप सबकी भरपूर तालियों में, फाउंडर ग्रुप के रूए रुमां, फाउंडर ग्रुप के बानी, आप सबके दिलों की धड़कन, आप सबकी भरपूर तालियों में हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब, क्लैपिंग क्लैपिंग।
हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज की महफल में तमाम हाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो इतना लेट टाइम, इतना कीमती टाइम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। ये हम लोग, हम पूरा ग्रुप उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हम जितनी हमारी मेहनत है, इससे ज़्यादा ये मेंबर रियासी जो है, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनकी मेहनत है। और जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, ख़ासकर शेख बरादरी, जिसमें मियां फसीहुर रहमान साहब हैं, शेख खालिद साहब हैं, शेख ताहिर बबला साहब हैं, और भी बहुत सारे, शेख अदरीस साहब हैं, शेख शाह साहब हैं, मैं सब शेख बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका कोई कैंडिडेट भी नहीं हम खड़ा कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम बरादरी 95% हमारे साथ है। मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, मेरा पूरा ग्रुप उनका शुक्रिया अदा करता है और उनसे इल्तमास करता है कि जैसे आज तक हम, आपने हमारा साथ दिया है और हमारे ग्रुप के ऊपर खर्च किया है, हमारी दावतें की हैं, इसी तरह ये इतवार वाला दिन भी याद रखें, अपने दोस्त को साथ लेके खुद भी वोट कास्ट करें और सुबह सुबह लाइनों में लग के वोट कास्ट करें, चांद पे ठप्पे लगाएं, ठप्पे पे ठप्पा, चांद पे ठप्पा। मैं मुगल बरादरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब नदीम खोकर साहब की काफ़िले हैं, उन्होंने अपनी बरादरी को इकट्ठा किया और हमारे साथ एक ताकत बने। मैं उस मुगल खोकर बरादरी का भी नहायत दिल से मशकूर हूँ, मेरा पूरा ग्रुप उनका शुक्रिया अदा करता है। वाकई नदीम खोकर साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, बाकी भी तीन ग्रुप हैं, उनके चोरीमन भी देख लें। पहले तो सरप्रस्त का जिक्र हुआ है ना, दूसरे ग्रुपों के चेयरमैन देख लें और हमारे ग्रुप का चेयरमैन भी देख लें। मैं अराई बरादरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी हमारे साथ हैं और मलक बरादरी भी हमारे साथ है। मैं तमाम रैशी, तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम बरादरियों का। ना ये इलेक्शन बरादरियों का है, ना ये सियासी पार्टियों का है, ये इलेक्शन सोसाइटी के मेंबर का है। सबसे बड़ी बरादरी, जो सबसे बड़े वोट हैं, वो जट बरादरी के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी 5 कैंडिडेट हैं और बहुत सारे बड़े बड़े चौधरी, जो जट्टों में चौधरी बड़े बड़े हैं, वो हमारे साथ हैं और मेंबर्स भी हमारे साथ हैं। मैं तहे दिल से अपनी तरफ से भी और अपने पूरे ग्रुप की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पर खर्च भी किया, हमारे साथ मेहनत भी की, गांव-गांव में गए, घर-घर में गए और हमारे लिए वोट मांगे। ख़ासकर शाहजा वड़ैत ने हमारा बहुत साथ दिया है, ये हमारे फाउंडर ग्रुप का सितारा है, स्टार है, फखर है, जो हमारे साथ खड़ा रहा है। और आपको पता है कि कश्मीरी बरादरी से मेरा तलक है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ सारी बरादरी, मेरी तमाम बरादरी 99% इंशाअल्लाह ताला पूरे ग्रुप को, पूरे पैनल को वोट कास्ट करेगी। मैं दावा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल कोई बंदा ये ना सोचे मेरे ग्रुप में कि कश्मीरी बरादरी मुझे वोट नहीं देगी। हम इंशाअल्लाह ताला, मेरी पूरी बरादरी 99% पूरे पैनल को वोट देगी। कोई भी हमारे में शक नहीं है कि ये उधर का बंदा है, उसको देना है, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाअल्लाह ताला। राणा बरादरी भी हमारे साथ है,
राजपूत सारे हमारे साथ हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं अपने पैनल की तरफ से, अपनी तरफ से भी। मलक अराई बरादरी का पहले जिक्र हो गया है, जे अराई बरादरी के सदर हाजी साहब भी हमारे इधर पंडाल में मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं अपना कीमती टाइम हाजी अनवर साहब। मैं आप लोगों से इल्तमास है, खुदा के लिए, खुदा के वास्ते इस सोसाइटी को बचा लें, अपने आने वाली नस्लों को बचा लें। हमने इधर ही रहना है, यहाँ से जा नहीं सकते, इतने बड़े बड़े घर बनाए हैं, ये मोहल्ले छोड़ के सोसाइटियों में आए हैं। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, ये लुटेरे हैं, ये साउथ अफ्रीका लूट के आए हैं, ये वापडा टाउन लूट के आए हैं, हम लोग इधर के रिहायशी हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए, रिहायशी वैसे भी आपके हमसाए हैं, मोहल्लेदार हैं हम, हमारा आपके बहुत ज़्यादा हक है। खुदा खुदा के लिए चांद पर मोर लगाएं, फाउंडर ग्रुप को जितवाएं, इंशाअल्लाह ताला हमारा साथ का दौर भी आपके सामने है, भरपूर मेहनत से काम करेंगे। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह ताला हमारी नीतों को जानता है, आप ये सोसाइटी को बचा लें, सोसाइटी को बचा लें। एक ही बात है बार बार, अगर सोसाइटी इनके दोबारा हाथ लग गई, बहुत सारे लोगों को यहाँ से बेच के जाना पड़ेगा। मैंने जो आपसे वादे किए हैं, इससे आज और इससे पहले इंशाअल्लाह ताला हर डिपार्टमेंट में काम होगा, सफाई सुथराई का भी होगा, सिक्योरिटी का भी होगा, हेल्थ का भी होगा, स्पोर्ट्स का भी होगा। हमारे फाउंडर ग्रुप को ही फख्र है, हमने लेडीज़ के लिए भी नुमाइंदगी रखी है, और चार ग्रुप में किसी ग्रुप ने कोई औरत को नुमाइंदगी नहीं दी, हमारे ग्रुप ने औरतों को भी नुमाइंदगी दी है, और औरतों के मसाइल भी जो है हल करने के लिए हमने एक अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे। एजुकेशन के लिए ये लोग हैं जिन्होंने बीकनोस स्टे लेके रखा हुआ है, खुदा के लिए इन लोगों से जान छुड़ाएं, सोसाइटी को आबाद करें, शहरों से आबाद करें, हमारे साथ मिलके काम करें। हम तमाम रिहायशियों के, तमाम ब्लाकों की कमेटियां बनाएंगे, खुदा की कसम उठा के कहते हैं कि हम कोई भी रात को, इतवार को, छुट्टी वाले दिन कोई भी फैसला नहीं करेंगे, सब शफाफ और सब के सामने काम होगा। इंशाअल्लाह ताला जो भी इजलास होगा, शादी हाल में होगा या इस ग्राउंड में होगा, आप हमारा साथ दें। अल्लाह ताला आपके जहनों में डाले, अगर किसी भाई ने किसी के साथ वादा भी किया हुआ कि खुदा के लिए उनको छोड़ दे, हमारे एक एक बंदे का मुआवजा कर लें, कि उनके पैनल का, हमारे सारे कारोबारी बंदे हैं, उनका किसी बंदे का कोई कारोबार दिखा दे, सिर्फ लूट मार उनका कारोबार है, सिर्फ उनका इस सोसाइटी की लूट मार पे मुनसर है। उनकी तो एक छोटी दुकान भी नहीं है जहां से वो अपना किचन चला सके, वो इसी इरादे पे हैं कि दोबारा इकतदार मिले और मैं हम लोग यहाँ से कमा के खाएं और लूट मार करें और अरबों बनाएं और दुबई में प्लाजे लें और कैंट में रहशे दें और F8 F10 इस्लामाबाद में फार्म हाउस बनाएं। बस इनका यही शुगल है, आज भी वो इसी तकदों के लिए कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं, इन्होंने 95 एकड़ जगह और खरीदी हुई है, वो 15 किलोमीटर दूर, वो उनका रजिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं, रात को रोते हैं कि अगर हम जीते नहीं तो ये इनका क्या बनेगा। ये उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए, तो इन्होंने 3 साल एक भी इजलास भी नहीं किया। मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इतवार वाला दिन 30 अप्रैल हम ये चांद चमकेगा जब आप चांद पर ठप्पा लगाएंगे और ये सोसाइटी शादाब होगी, इस आबाद होगी,
जब आप चांद पर ठप्पा लगाएंगे, ये तमाम बरादरियों का एक मजमुआ है, तमाम सियासी पार्टियों का एक मजमुआ है, ना ये सियासी पार्टियों का इलेक्शन है, ना ये बरादरियों का इलेक्शन है, हमने मिल के सब बरादरियों से, सब पार्टियों से एक गुलदस्ता बनाया है। आपने इस गुलदस्ते को पानी देना है, एक वोट की शक्ल से, आपकी वोट में बहुत ताकत है। खुदा के लिए कोई गलत फैसला ना कर लें, कोई ऐसा अगर आपने किसी एक बंदे का किसी से वादा भी किया हुआ है तो आज एक गुजारिश है कि कोई ऐसा वादा जो किसी गलत फैसला कोई किया हुआ है तो उसको किसी से का वादा निभाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पूरे पैनल को वोट दें ताकि जो हम आपसे वादे कर रहे हैं वो वादे पूरे कर सके। मैं आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस सोसाइटी को बचा लें। ये लुटेरे हैं, ईमानदारी वाली बात है, ये लुटेरे हैं, इनका कारोबार नहीं है। पहले भी बताया है, दोबारा बता रहा हूं, कोई एक भी बंदा साबित करके किसी की फैक्ट्री या किसी की दुकान हो, सबका यही मिशन है कि लूट मार में हिस्सा मिलेगा। हमारे सारे दोस्त, हमारे सरप्रस्त, हमारे चेयरमैन, हमारे कोर कमेटी के मेंबर सब देख ले, सारे कारोबारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चिल्ली से $5,000 की टिकट है, लोग वहां से आए हुए हैं। हम आपकी मोहब्बत के लिए, इस सोसाइटी के लिए साबर बड़ा साहब है, हमारे कोर कमेटी के मेंबर वो आए हुए हैं, आसफ भट्ट साहब है, रावाली वाले चिल्ली से आए हैं, $4,500 की टिकट लेके। ये आप लोगों की, हम लोगों की मोहब्बत है और सोसाइटी के उनको दर्द है सोसाइटी का कि हम वोट कास्ट करें और सोसाइटी की ये फाउंडर ग्रुप खिदमत कर सके। मुबशर कुलेर साहब है, ये भी चिल्ली से आए हैं, यकीन करें $4,700 की टिकट है। मुबशर कोकर साहब कुवैत से आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उमर भट्ट साहब आए हुए हैं, हमारे साफी बरादरी के हमारे अजीज भी हैं, तनवीर भट्ट साहब हैं, सेक्टी हैं, प्रेस क्लब के सेक्टी हैं, और सहेल मनीर भट्ट साहब हैं, ये एयरवाई के मालिक हैं। मैं तो इनको मालिक ही कहूँगा क्योंकि लाहौर भी इनके पास है और गुजरांवाला भी इनके पास है, तो और भी नूर बाबा से बहुत सारे भट्ट बरादरी के हमारे दोस्त आए हुए हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे सैटेलाइट रूम से तैयब लौन साहब आए हुए हैं, ख्वाजा इमरान करामत साहब हैं, जमशेद भट्ट साहब हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी मोहब्बत में सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए टाइम निकाला और हमारे लिए घर घर जा के वोट मांग रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यह मेरे दोस्त सामने बैठे हुए खड़े हैं, मेरे भाई इकराम शाकर साहब इस सोसाइटी के रूह रूहां हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख बरादरी को फाउंडर ग्रुप के साथ मुंसलिक करने का इनका किरदार है बहुत बड़ा, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी पूरी टीम इनका शुक्रिया अदा करती है। खाना लग गया है मेरे ख्याल में, करीब करीब है। मैं दोबारा आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मलक जमील साहब हैं चेयरमैन प्रेस क्लब के गक्कड़ के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी यहाँ आए हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बगौर बड़े इत्मीनान से हमारे पूरे पैनल के सब मेंबर्स का उनके साथ मुवाजना कर लें, अगर कोई बेहतर है तो मुझे भी बताएं कि हमारे मेंबर से उनका कोई मेंबर अगर बेहतर है करेक्टर में, क्वालिटी में, कारोबार में, कोई अगर बेहतर है तो मुझे भी कॉल करें, मैं भी उसको वोट दे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बंदे कारोबारी हैं और बिजनेसमैन हैं, उनको कोई ये हराम का माल नहीं चाहिए। अल्लाह से डर जाओ, ये हराम का माल इधर ही रह जाएगा।
ये हलाल का भी इधर रह जाएगा। अगर हलाल का माल आपका किचन सही चला रहा है तो यही काफी है। खुदा के लिए अल्लाह से डर जाओ, आगे जाके हिसाब देना है। सिर्फ यही नहीं, हर बंदे ने मौत का मजा चखना है और अल्लाह के पास हाजिरी देनी है, उधर हिसाब होना है। मैं अपने मुखालफीन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस करो यार, छोड़ दो इस सड़ी की जान, माफी दे दो हमें, चले जाओ यहाँ से खुद बहुत, हमें हमारे मेंबर्स को आपको धक्के ना देने पड़े कि गेट बंद करके आपको निशाना ना बनाए। आप खुद ही चले जाओ खुदा वास्ते यहाँ से, इस सोसाइटी को सोसाइटी के रहस्यों के मुनसर कर दे, इन पे छोड़ दे। हमारी सोसाइटी में बहुत पोटेंशियल है, बहुत लोग काबिल हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, हम इसको बखूबी चला सकते हैं, हमें इम्पोर्टेड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये मैं, आप मुझे जानते हैं साहब, मैं यहाँ का रहशी हूँ, ना मेरा घर कैंट में है, ना वापडा डॉन लूटा है मैंने, ना वापडा डॉन में मेरा घर है, ना मैं लाहौर में मेरा कोई घर है, ना इस्लामाबाद में है, ना मेरा F10 में मैं कोई फार्म हाउस बना रहा हूँ। मैंने यहाँ ही रहना है, यहाँ ही मरना है, मेरे बच्चों ने भी यहाँ ही रहना है, मेरे सब बहन भाई, हम 7 बहन भाई हैं, हम सब इधर रहते हैं। मेरी तरफ देख के तकरीबन 100-150 मेरे दोस्त अब रिश्तेदार भी इधर आके रह रहे हैं। हमारा जीना मरना यही है, हम सब रहशी हैं, हमारी मदद करें, इस सोसाइटी के लिए हमारी मदद करें। 30 अप्रैल को चांद पर मोर लगाएं और इस सोसाइटी को बचा लें।